तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी लोगों। आज हम करने वाले हैं Realme Narzo 30 वर्सेस Redmi Note 10 S में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको MediaTek का Helio G95 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, दोनों ही फ़ोन के अंदर 5000 mAh वाली बैटरी आपको देखने को मिलेगी और दोनों फ़ोन के अंदर डिस्प्ले भी लगभग सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और AMOLED डिस्प्ले दोनों फ़ोन में है। तो चलिए हम फटाफट से स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों फ़ोन्स के अंदर सेम एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर दी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं YouTube से। तो YouTube हमने जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर हमारा जो है Redmi के Note 10 S में पहले YouTube ओपन हो गया। Gmail ओपन करते हैं तो Gmail दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम ओपन हुआ। Google को ओपन कर लेते हैं तो Chrome जो है हमारा दोनों ही फ़ोन में सिमिलर है। Play Store जो है Note 10 S में पहले स्टार्ट हो गया। डायलर जो है हमारा Narzo 30 में पहले स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मैसेजिंग ऐप हमने स्टार्ट किया तो हमारा Narzo 30 में स्टार्ट हुआ। गैलरी हमारी सबसे पहले Narzo में ओपन हुई। यहाँ पर कैमरा भी जो आप देख सकते हैं Narzo 30 में ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ। अब हम देख लेते हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी हमारा Narzo 30 में ही स्टार्ट हो रहा है। ट्विटर भी Narzo 30 के अंदर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अमेज़ॉन ओपन कर लेते हैं तो अमेज़ॉन भी जो है Narzo 30 में ही ओपन हो रहा है। यहाँ पर Flipkart ओपन करेंगे तो Flipkart भी Narzo 30 में पहले ओपन हो रहा है और Note 10 S में बाद में। Snapdeal ओपन कर लेते हैं तो Snapdeal भी जो है हमारी Narzo 30 के अंदर पहले ओपन हो गया है। अब यहाँ हम करेंगे इसका कुछ क्विक टेस्ट। दोनों ही फ़ोन को मैंने सेम नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसका करेंगे इंटरनेट स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं Redmi के Note 10 S में स्पीड टेस्ट के। यहाँ पर हमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड क्या देखने को मिलती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 जो है हमारी डाउनलोडिंग स्पीड है और अपलोड स्पीड हमारी 3.56 है। वहीं पर हमने स्टार्ट कर दिया है Narzo 30 में जो है स्पीड टेस्ट। तो आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्पीड जो है उसकी 20.5 तक आ चुकी है और अपलोडिंग स्पीड भी जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अपलोडिंग स्पीड कितनी आती है, जबकि मैंने दोनों ही फ़ोन को सेम नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.51, यानी कि हमारा Narzo 30 जो है फिर से जीत गया है Redmi के Note 10 S से। तो यहाँ पर चलिए हम BGMI को भी स्टार्ट कर लेते हैं दोनों फ़ोन में सेम टाइम पे और देखते हैं कि सबसे पहले कौन से फ़ोन के अंदर BGMI जो है वो लोड होता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर फिर से जो है Realme का Narzo 30 विन हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसी की प्रोसेस ज़्यादा बेस्ट दिख रही है। जबकि यहाँ पर दोनों फ़ोन के अंदर सेम प्रोसेसर है, MediaTek का Helio G95 वाला प्रोसेसर। तो दोनों फ़ोन में सेम प्रोसेसर होने के बाद भी काफ़ी सारा यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो Realme का Narzo 30 है वो पहले लोड हो रहा है और Redmi का Note 10 S जो है वो टाइम लगा रहा है लोड होने में। मतलब कुछ ही समय का फ़र्क है, बट यहाँ फ़र्क तो फ़र्क लगता है। तो आप देख सकते हैं हमारा Narzo फिर से जीत गया। अब हम फिर से यहाँ पर रैम मैनेजमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐप रैम में है और कौन से नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Chrome जो है हमारा Narzo 30 के अंदर सारी ऐप जो है ऑलरेडी रैम मैनेजमेंट के अंदर है और जो Redmi का Note 10 S है उसके अंदर सारी एप्लीकेशन जो है रीलोड हो रही है, जबकि हमारे Narzo 30 के अंदर कोई सी भी एप्लीकेशन रीलोड नहीं हो रही है। हम जैसे ही उसको टैप कर रहे हैं वो वन टैप में यहाँ पर ओपन हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि Realme का जो Narzo 30 है उसका रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि हम जिस ऐप को जहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं वो वहीं से ओपन हो रहा है और Redmi के Note 10 S में सारी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है और फिर से जो है ये रीलोड ले रही है स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Flipkart वगैरह भी हम ओपन कर रहे हैं तो Flipkart हमारा Narzo 30 में ऑलरेडी ओपन है। Snapdeal भी ओपन है। यहाँ पर हमारा जो स्पीड टेस्ट था वो भी ओपन है। मतलब Narzo 30 में सभी चीज़ ओपन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं BGMI भी जो है हमारा Narzo 30 में ओपन है और Redmi Note 10 S में उनने लोड ले लिया है। तो इन दोनों फ़ोन को कंपेयर करने के बाद मैं दोस्तों अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो Realme का Narzo 30 जो है वो विनर रहा है यहाँ पर हर चीज़ के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को ये कैसा लगा कंपैरिजन मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।